मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 12 अक्टूबर को प्रस्तावित पिथौरागढ़ भ्रमण के दृष्टिगत तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने नैनी सैनी एयरपोर्ट व वायुयान लैंडिंग व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने जनसभा स्थल SS वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंच व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट, साउंड व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, टेंट, पेयजल, शौचालय आदि व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं त्रुटि रहित और समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। देहरादून के मसूरी तक हवाई यात्रा के द्वारा जाने का सपना अब जल्द ही पूरा होने जा रहा है। जल्दी उत्तराखंड सरकार देहरादून से मसूरी तक हेलीकॉप्टर संचालन की योजना बनाने जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए नागरिक उड्डयन विभाग के अपर सचिव सी रवि शंकर ने बताया कि सहस्त्रधारा की हेलीपैड से मसूरी तक हवाई यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जिसको लेकर मसूरी में हेलीपैड बनाने के लिए जगह की तलाश की जा रही है। लैंडिंग को लेकर उचित जगह मिलते ही यह सेवा चालू कर दी जाएगी। सहस्त्रधारा हेलीपैड से मसूरी तक जो है एक उड़ान योजना के तहत जो है एक सेवा शुरू होने जा रहा है। उसके लिए अभी हम लैंड के संबंध में किसी विभाग से जो है हम NOC का अभी अपेक्षा कर रहे हैं, तो वो जो है लैंड का स्थिति जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो बहुत जल्दी जो है वो देहरादून टू मसूरी उड़ान योजना के तहत वो हेली सेवा भी शुरू हो जाएगा। समुद्र तल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित उच्च हिमालयी सिख आस्था के प्रमुख तीर्थ श्री हेमकुंट साहिब के कपाट आज दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। प्रातः 10 बजे सुखमणि साहिब पाठ के साथ ही श्री हेमकुंट साहिब के कपाट बंद होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसके पश्चात गुरुबाणी, शब्द कीर्तन, साल की अंतिम अरदास तथा हुक्मनामा पढ़ने के पश्चात आखिरी में पंच प्यारों और सेना के इंजीनियर कोर की बैंड की अगुवाई में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सर्च खंड में सुशोभित किया गया। तदुपरांत दोपहर ठीक 1 बजे शीतकाल के लिए श्री हेमकुंट साहिब के कपाट बंद कर दिए गए। इस अवसर पर लगभग 2500 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने की इस अलौकिक बेला के साक्षी बने। खबर उत्तरकाशी जनपद से है, जहां नशे के विरुद्ध जंग उदयन छेड़ी हुई है, जिसमें उत्तरकाशी पुलिस न सिर्फ अवैध नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, बल्कि इस मुहिम में पुलिस नशे के आदि हुए युवकों को चिन्हित कर उनकी काउंसलिंग करवाई जा रही है। जहां जनपद के दूर दराज के गांवों में ग्रामीणों द्वारा उगाई जाने वाली प्रतिबंधित भांग, अफीम व अन्य नशीले पदार्थों की खेती को विनष्ट कर नशे के कारोबार में लिप्त लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस व राजस्व की टीम द्वारा धोतरी, गाजणा क्षेत्र के भड़कोट, सटरिया, धार, भौत आदि गांवों में फ्लैग मार्च रैकी की गई, जहां लगभग सभी गांव क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा भांग की खेती को स्वयं ही नष्ट कर दिया गया है। ग्रामीणों द्वारा हमारे नशा मुक्त अभियान के आगे आकर सहयोग करना बेहद खुशी की बात है। मैं SP सर व उत्तरकाशी पुलिस की तरफ से ऐसे ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूँ। मैं उत्तरकाशी के दूर दराज ग्रामीणों से अपील करता हूं कि सभी इस प्रकार के अवैध गतिविधियों, खेती को स्वयं नष्ट कर दें, नहीं तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी तक उत्तरकाशी पुलिस द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में करीब 1300 नाड़ी 26 हेक्टेयर भूभाग पर अवैध भांगों की खेती को नष्ट किया जा चुका है। अवैध खेती करने वाले 22 भू स्वामियों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई। जातिगत जनगणना और आरक्षण को लेकर इस वक्त देश में माहौल गरमाया हुआ है। विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना कराने पर जोर दे रहा है। जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि उत्तराखंड में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण न्याय संगत तरीके से दिया जाना चाहिए। आंकड़ों को लेकर किसी भी तरीके की समस्या नहीं है, इसलिए आरक्षण अगर आंकड़ों से बाहर चले जाएंगे तो यह दूसरे लोगों के साथ अन्याय होगा। देखिए, उत्तराखंड राज्य गठन के मूल में अगर कोई प्रश्न थे तो आपको ध्यान में होगा, मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद शिक्षण संस्थाओं में OBC को आरक्षण देने की बात आई थी 27% की। इसको लेकर ही छात्रों ने आंदोलन प्रारंभ किया था और उनका ये कहना था कि अगर आरक्षण होना भी चाहिए तो जितनी संख्या है उतना ही आरक्षण होना चाहिए, उस अनुपात में आरक्षण होना चाहिए।
और अंततोगत्वा बाद में वो जो आरक्षण को लेकर आंदोलन चला था छात्रों का, वो पृथक राज्य के आंदोलन में बदला और उसके बाद उसकी परिणति हुई कि आज हमारा अपना राज्य बना। तो उत्तराखंड में जहाँ तक ओबीसी का सवाल है या अन्य जातियों का सवाल है, तो शुरू से ये मानना रहा है कि भाई अब एससी का तो है ही है, हमारे पास आंकड़ा है, ओबीसी का भी है, सब है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर कोई आंकड़ों को लेकर कोई समस्या है। अभी हमारा लोकल बॉडीज का चल रहा है, तभी क्या हो रहा है, ओबीसी का आरक्षण तो चल रहा है ना, ओबीसी के आरक्षण को लेकर हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि किन वार्डों में ओबीसी की संख्या ज़्यादा जिनको हम आरक्षित कर सकते हैं, तो ये तो ऑलरेडी चल रहा है हमारे यहाँ और हम लोग कर भी रहे हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य में संख्या का के अनुपात में आरक्षण की बात हो तो न्याय संगत बात होगी, लेकिन अगर आप उसके अनुपात से बाहर निकलेंगे तो उत्तराखंड के साथ ये तो बेमानी हो जाएगी, तो उसको देखना पड़ेगा हम लोगों को। बॉलीवुड एक्टिंग स्कूल ऑफ आर्ट के तत्वावधान में आगामी 16 अक्टूबर को इंडियन स्टार्स अचीवर्स अवार्ड होने जा रहा है। इस बात की जानकारी कार्यक्रम के सह संयोजक डॉक्टर इमरान अहमद ने दी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कार्यक्रम का आयोजन देहरादून के होटल सरोवर प्रीमियर में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड की अदाकारा अमीषा पटेल भी हिस्सा लेंगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में देश भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। 16 अक्टूबर को अमीषा पटेल जी होटल सर्वोर प्रीमियम पोर्टिको में 6 बजे से हम लोगों का प्रोग्राम है अवार्ड फंक्शन का। हम लोग अलग अलग फील्ड के अंदर स्टार अचीवमेंट अवार्ड के नाम से अलग अलग फील्ड के अंदर हम लोग अवार्ड देने के लिए जा रहे हैं, और जिसके अंदर जो है अलग अलग मेडिकल के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में और अलग अलग कैटेगरी के क्षेत्र में हम अवार्ड करने जा रहे हैं। और अमीषा पटेल जी एक गदर 2 की एक जो है एक फेमस स्टार है, जो कि हमारे उत्तराखंड देवभूमि में वो आ रही हैं, उनका तहे दिल से वार्म वेलकम है।